चुके हैं, खबर देंगे आपको। वजीर दाखला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जेर हिरासत खवातीन कारकुनान से मुमकिना बदसलूकी के पेश नजर डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से फौरी नोटिस लेने की इस्तदा की है। मजीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वजीर दाखला राना सनाउल्ला की रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अब तहरीक इंसाफ का रद्द अमल सामने आया है। इफ्तिखार दुरानी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। उन्होंने मुराद सईद समेत तमाम पीटीआई कारकुनान की जान को लाहक खतरात के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बाजाबता दरखास्त करते हुए कहा है कि सियासी कैदियों और खसूसन पुलिस की जेर हिरासत खवातीन की आबरू के हवाले से संगीन खदशात लाहक हैं। जेलों में कैद खवातीन के साथ बदसलूकी के वाकयात की मुबैना तौर पर इत्तलात सामने आ रही हैं। पूरे मुल्क में पीटीआई कारकुनान के घरों की पामाली का सिलसिला भी जारी है, कारोबार भी तबाह किया जा रहा है और राना सनाउल्ला की रात के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसने संगीन खदशात को जन्म दिया है। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की जाती है कि वो मुल्क में जारी इन मामलात का नोटिस लें और खवातीन खासतौर पर जो कैद हैं जेलों में उनको फौरी तौर पर रिहा करने के अहकाम जारी करें। ठीक है, फौरी नोटिस लेने की अपील की गई है। अपडेट कर रहे थे आप अब्दुल कादिर, शुक्रिया।